मैं कल ही घोषणा कर चुका था दोपहर में ही कि उसकी जैसे मेडिकल पोजीशन स्टेबल होगी हार्ट की और जैसे ईसीजी सही हुई हमने बुला के उन्हें बता के रखा था, वो तो अगले दिन करने को थे लेकिन हमने उनको उसमें पेश किया है और उनको पेश कर दिया है। सबको पता है, आप लोगों को पता, क्या मैंने कोई सरेंडर एप्लीकेशन लगाई? मैं तो हाथरस गया था, मैं तो हाथरस में था, दो दिन था, मैंने कोई लगाई, कोई एंटीसिपेटरी लगाई एप्लीकेशन, कोई 482 एप्लीकेशन लगाई, कोई अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट अंडरवर्ल्ड सुप्रीम कोर्ट में अरेस्टिंग स्टे लगाई? नहीं लगाई, क्यों लगाऊं? अब बात इनाम की थोड़ी सी रह जाती, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें इनाम मिले, क्योंकि इनाम मिलने वाले भी हमारे हैं, देने वाले भी हमारी सरकार है, यूपी पुलिस एसआईटी एसटीएफ भी हमारा है, और जिनकी वजह से इनाम मिले वो हमारे ही तो हैं, जो हमारे मधुकर हैं वो भी हमारे हैं, देव प्रकाश मधुकर वो भी हमारे इंजीनियर हैं। लेकिन हाँ, मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ये बात सत्य है, और हमने उसको जिस तरह से बेहतर कर सकते, हमने वादा किया था देश की मीडिया और एसटीएफ और एसआईटी से भी कि इस तरह से ही हम कर रहे हैं, और इसीलिए उसे दिल्ली बुलाया गया, परिवार में इलाज हो रहा था और यहाँ आके उसको सरेंडर कर दिया और वो लेके इसी तरह से चले गए। लेकिन अब उनकी खैर होगी बात, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, वो उस विषय नहीं, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण अब उनके लिए ये है इनाम लें। लेकिन जो असली मुल्जिम हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने तबाही मचाई है, जो 123 मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, जो घायलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो अनआइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड है पर्सन, जो हाफ पैंट पहने 15-16 लोग शराब पी के महिलाओं की तरफ घुसे और महिलाओं की तरफ हुड़दंग मचाया और उसके बाद भगदड़ मचवाई, उनका विषय है, उनकी गिरफ्तारी कितनी जल्दी होगी, उनके लिए कितना इनाम घोषित होगा, उनके कितने स्केच जारी होंगे, उनके बारे में क्या क्या होगा, उनके लिए कहां कहां छपे, अभी हमें बता दे एसआईटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी भी और किसी को हमारे सेवादार की जरूरत हो, हमारे किसी सेवादार की जरूरत हो, हमारे किसी कमेटी वाले की आयोजन समिति की जरूरत हो, हम उन्हें बता दें, जहां उन्हें हाथरस भेज देते हैं, हम उन्हें हाथरस पहुंचा देंगे, अपने पैसे अपने किराए से पहुंच जाएंगे और बैठ जाएंगे, जाके गिरफ्तार करना हो गिरफ्तार कर ले, पूछताछ करना हो पूछताछ कर ले, जो करना हो कर ले। लेकिन ये तो आयोजक हैं, इनकी तो केवल व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था में आके जिन्होंने हुड़दंग मचा के भगदड़ मचाई और जो मौत के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी अब हमें गिरफ्तारी चाहिए, उनके खिलाफ जांच अधिकारी का मतलब है जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दोनों पहलू को जांच करता है। और जहां तक इसकी बात है, इनाम की एफआईआर दर्ज हुई, अगले दिन 1,00,000 का इनाम घोषित हो गया। कभी ऐसा होता है क्या? कभी 91 का नोटिस दिया गया? कभी 82-83 सीआरपीसी की बात की गई? क्या भारत के संविधान कानून को सीआरपीसी की किताब को बंद कर दिया जाएगा? क्या किसी अंडरवर्ल्ड कोर्ट से एनबीडब्ल्यू लिए गए? क्या नॉन बेल वारंट लिए गए? क्या कहीं के से सर्च वारंट लिए गए? इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। हमें एसटीएफ पे भरोसा है, एसआईटी पे भरोसा है, जांच अधिकारियों पर भरोसा है, वो मेरा भरोसा बरकरार रखा जाए इस तरह की उनके लिए भी करें। क्या कानून नहीं है? एकदम इनाम घोषित करना क्या उचित था? क्या वो बुद्धिजीवी नहीं है? क्या वो हार्ट पेशेंट नहीं है? क्या वो इंजीनियर नहीं है? इस तरह से ऐसे उचित नहीं है, इसलिए मैं ये बात को कह रहा हूं।